लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस को जांच में पता चला है कि अभिनेता डिप्रेशन का इलाज भी करा रहे थे। सुशांत का परिवार जहां इस दुखद घटना के बाद खुद को संभाल नहीं पा रहा है, वहीं उनके प्रशंसक अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनके फेवरेट एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं इजराइल ने युवा स्टार सुशांत सिंह राजपूत को सच्चा दोस्त बताया है। इजराइल ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक गिलाद कोहेन ने ट्विटर पर अभिनेता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। कोहेन ने अभिनेता की पिछली फिल्म ड्राइव के एक गाने मखना का लिंक साझा करते हुए लिखा, इजराइल के एक सच्चे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। आप याद आओगे, इजराइल में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए जारी प्रयासों के तहत सुशांत और उनकी सह कलाकार जैकलीन फर्नांडीज ने इजराइल में गाने की शूटिंग की थी। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र रहे राजपूत ने 2002 में कॉलेज छोड़ दिया और मनोरंजन जगत में पहुंचे थे। शुरुआत में बैकग्राउंड डांसर रहे सुशांत को 2009 में टेलीविजन धारावाहिक पवित्र रिश्ता से लोकप्रियता मिली थी। यह धारावाहिक वर्ष 2009 से 2011 तक चला था, जिसकी निर्माता एकता कपूर थीं। टेलीविजन धारावाहिक पवित्र रिश्ता में निभाए किरदार से मशहूर हुए अभिनेता ने 2013 में कायापुच्छे से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, राबता, केदारनाथ और सोन चिड़िया जैसी फिल्मों में काम किया था। पटना में जन्मे सुशांत की 34 साल की कम उम्र में मौत से पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई थी। रविवार को सुशांत की आत्महत्या की खबर से उनके गृहनगर में शोक की लहर दौड़ गई। उनके एक चचेरे भाई की पत्नी का सोमवार को मुंबई में सुशांत का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद पूर्णिया में उनके पैतृक गाँव में निधन हो गया था। सुशांत के शोक संतप्त चचेरे भाई ने दावा किया था कि उनकी पत्नी पहले से ही बीमार थी और सुशांत की आत्महत्या के बारे में सुनकर उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी।